जब चैलेंज में थी तो धारा 370 को क्यों नहीं रोका गया? आप तो जज रहे साहब, ऊपर वाले से तो डरिए, फारूक साहब से इतना मत डरिए। मेरा काम डराना नहीं है, आप लोगों का काम है डराना। हम डराते हैं मान्यवर, और मान्यवर कहा है उसका जवाब मैं आपके बाद दूंगा। नहीं दे सकते आप मान्यवर। कुछ सदस्यों ने बात के अंदर दादा धैर्य से सुनना पड़ेगा, अंत में बताऊंगा, अंत में बताऊंगा, तब तक आप टोके बगैर बैठे। मान्यवर कुछ कानूनी और संवैधानिक मुद्दे खड़े कर पहले एक मॉरल बात लाए कि भाई जिस कानून के अंदर आप अमेंडमेंट लेकर आए हो वो कानून ही कोर्ट के सामने चैलेंज में है। मसूदी साहब तो हाई कोर्ट के जज रहे, विद्वान न्यायाधीश रहे हैं, अधिवक्ता अच्छे ही होंगे तभी तो जज बने होंगे। मैं उनको कहना चाहता हूं धारा 370 भी काफी साल तक चैलेंज में रही, क्यों नहीं रोका उसको? जब चैलेंज में थी तो धारा 370 को क्यों नहीं रोका गया? और आज आपको कानून की मर्यादाएं याद आ रही हैं, फिर भी मैं स्पष्टता करना चाहता हूं, आपकी ही पिटीशन है, आप पिटीशनर हो, इस पर स्टे मांगा गया था, स्टे पर बहस हुई, न्यायाधीशों ने सुनवाई करके स्टे देने से इनकार किया, स्टे देने से इनकार किया। मैं बहुत रिस्पॉन्सिबिलिटी के साथ यहां बोल रहा हूं, कोई स्टे नहीं है। कहा कि हम समाज करेंगे, एडमिट किया, जो एडमिट खुद ही होता है कि नहीं, एडमिट होने से कुछ नहीं होता, स्टे करना पड़ता है, ऑर्डर में स्टे करना पड़ता। मान्यवर जब तक आप तो जज रहे साहब, ऊपर वाले से तो डरिए, फारूक साहब से इतना मत डरिए। मान्यवर पिटीशन एडमिट होने से किसी को डराता नहीं, फिर भी डरते हैं बोलिए। मेरा काम डराना नहीं, आप लोगों का काम है डराना, हम डराते हैं। मान्यवर कहा है उसका जवाब मैं आपके बाद दूंगा। नहीं दे सकते आप, नियमों के अनुसार नहीं दे सकते। मान्यवर जब कोई भी पिटीशन सुप्रीम कोर्ट के सामने जाता है, अगर सुप्रीम कोर्ट उसको स्टे नहीं देता है तो तब तक यथास्थिति बनती है, और यथास्थिति ये है कि राष्ट्रपति महोदय ने इसको कानून को बनाने का काम पूर्ण कर दिया है, ये यथास्थिति है। इसके लिए मैं इसके अंदर अमेंडमेंट लेकर किसी भी समय पर आ सकता हूं।